दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि यूनिवर्सिटी की गलती का खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। ऐसा बहुत बार हो चुका है और बहुत बार खबरों में आ भी चुका है। और इसी तरह से एक बार फिर एक यूनिवर्सिटी ने यहाँ गलती की है और उसकी वजह से आप सीधा सीधा आपका एक साल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो ये पूरी तरह से यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, उनकी लापरवाही है। तो बहुत ही बड़ा संगीन मामला है ये, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट का एक साल सीधा बर्बाद हो सकता है। क्या है पूरा मामला इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और साथ ही आपको मैं कुछ इसके लिए टिप्स दूंगा कि ये जो है गलती दोबारा आपकी तरफ से भी ना हो, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि इस चीज़ से बचे रहे और आपका एक साल बर्बाद भी ना हो। तो पूरी मामले की जानकारी हम लोग चलिए आपको यहाँ पे डिटेल से बताता हूँ कि क्या है पूरा मामला। तो ये जो है, ये जो मामला है यहाँ पर सबसे पहले ये दुर्ग यूनिवर्सिटी के कल्याण कॉलेज का मामला है। तो पूरा मामला ऐसा है कि जो दुर्ग यूनिवर्सिटी का जो विश्वविद्यालय प्रबंधन की चूक के कारण बीए की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट का एक साल बर्बाद होने का यहाँ पर नौबत आ गया है। यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन पर जब इन्होंने कॉल किया स्टूडेंट ने, तो उनको सुझाव, उनके ही सुझाव पर, हेल्पलाइन नंबर पे जो इनको सजेशन दिए गए, उनके सजेशन पर बीए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर की जगह पर सेकंड ईयर में इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर की जगह पर हिंदी लिटरेचर की परीक्षा दी। ठीक है, ये सारी जानकारी उनको हेल्पलाइन नंबर पर दी गई। अब ये फर्स्ट ईयर में थे, अब सेकंड ईयर में इनको सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन इनके हेल्पलाइन नंबर द्वारा ही दिया गया। तो इन्होंने जो फॉर्म भी भर दिया, फिर इनका जब रिजल्ट आया तो दूसरे साल सब्जेक्ट बदलकर परीक्षा दी और सभी के सभी यहाँ पर पास भी हो गए। अब फाइनल ईयर की परीक्षा में बैठना है तो उन्हें पहले साल के सब्जेक्ट से ही दूसरे साल की परीक्षा देने को ये यूनिवर्सिटी बोल रही है। अचंभे की बात यह है कि पहले साल के बाद दूसरे साल में सब्जेक्ट बदलकर परीक्षा दिलाने और आगे पास होने का प्रमाण देने के बाद भी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इसे अपनी गलती नहीं मान रहा है। कुल सचिव भूपेंद्र कुलदीप जो है स्टूडेंट को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन फीडिंग के टाइम छात्रों ने गलत जानकारी भर दी। थर्ड ईयर की परीक्षा पहले उनके इस गलती को पकड़े है और इसलिए अब इसमें सुधार का रास्ता बनाया जा रहा है। कंप्लीट डिग्री के लिए सबको तीसरे साल की परीक्षा के साथ दूसरे साल की परीक्षा भी पहले साल के विषय से पास करना ही है। तो ये जो मामला है मैं बता देता हूँ, एक स्टूडेंट है जिनका रोल नंबर भी यहाँ पर दिया गया, रुपेश कुमार पटेल, उन्होंने ये बताया कि क्या है पूरा मैटर। जिन्होंने सेक्टर 7 के कल्याण कॉलेज से हिंदी लिटरेचर लेकर बीए की पढ़ाई शुरू की, यानी कि फर्स्ट ईयर की, यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया यूनिवर्सिटी का, इस पर इन्होंने कॉल किया और इसमें जो इनको जानकारी दी कि ये लोग सब्जेक्ट बदल कर इंग्लिश लिटरेचर ले लिया इनकी सजेशन पर, हेल्पलाइन के परीक्षा में बैठे और पास भी हो गए। अब थर्ड ईयर की परीक्षा फॉर्म भरने गए तो कह रहे हैं कि पहले हिंदी लिटरेचर से दूसरे साल की परीक्षा पास करनी होगी, वहाँ इंग्लिश लिटरेचर से पास हुए रिजल्ट को निरस्त करेंगे। उसके बाद जो दूसरा मामला है यहाँ पर, वेद प्रकाश वर्मा जी जिनका रोल नंबर है, इन्होंने जानकारी दी कि बीए की पढ़ाई के दूसरे साल ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी की, उसमें विषय के ऑप्शन पर मुझे पहले साल से अलग हिंदी लिटरेचर का ऑप्शन मिल गया, जबकि पहले साल मैं इंग्लिश लिटरेचर लिया था, इसलिए हिंदी लिटरेचर से ही परीक्षा दी, पास भी हो गया। अब तीसरे साल परीक्षा देने की बात आई तो कह रहे कि मुझे पहले इंग्लिश लिटरेचर विषय से दूसरे साल की परीक्षा पास करनी होगी। ये सारे मामले आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब इनके टोल फ्री नंबर इन्होंने जिसको भी बिठा रखा है वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर, जब उसको पूरी पूरी जानकारी नहीं है तो उसको हेल्पलाइन नंबर पर बिठाया क्यों गया है, पहली बात। अब जब ये लोग सजेशन कर रहे हैं, रिजल्ट भी इनके जारी हो चुके हैं सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट चेंज होने के बाद, तो फिर अब फाइनल ईयर में अगर रूल है कि जो आप पहले फर्स्ट ईयर से पढ़ाई कर रहे हैं वही सेकंड ईयर में भी होना चाहिए, वही फाइनल ईयर में होना चाहिए, तब आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है,
तो ये रिजल्ट सेकंड ईयर का जब जारी किया तो इतने दिनों तक लापरवाह लोग कैसे रह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने रिजल्ट भी जारी कर दिया, जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा तब भी चेक नहीं किए। तो ये सरासर यूनिवर्सिटी की गलती। अब क्या किया जा रहा है, इनके जो कुछ सवाल थे जिस पर यूनिवर्सिटी का कहना है, जिसकी एक सवाल है सब्जेक्ट बदलने के लिए दूसरे साल आप परीक्षा लिए रिजल्ट भी दे दिए, तीसरे साल रोक क्यों लगा रहे, सीधी बात है ये। तो इस पर यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरने में गलती की, तीसरे साल की परीक्षा से पहले सभी पकड़ में आए हैं, इसलिए रोका जा रहा है। भाई अभी पकड़ के क्या मतलब, आपको सेकंड ईयर का जब फॉर्म भर रहे थे, परीक्षा फॉर्म भरे तभी पकड़ लेना था। तो ये तो यूनिवर्सिटी की लापरवाही है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय हेल्पलाइन नंबर से उन्हें सब्जेक्ट बदलने के कहा तो क्या गलत है। सीधी बात है, जब हेल्पलाइन नंबर आप ही नहीं रखा है ना वहाँ पे, यूनिवर्सिटी का रखा है, तो फिर क्या गलत है। इस पर यूनिवर्सिटी का जवाब है कि हेल्पलाइन नंबर पर सभी जानकारियाँ सही नहीं मिलती, ऐसे छात्रों की संख्या बहुत कम है, उन्हें मैच्योर होना चाहिए। अरे भाई जब आपने हेल्पलाइन नंबर बनाया है किस लिए है, कि स्टूडेंट की हेल्प की जाए, और इस तरह से हेल्प करोगे तो इसकी जिम्मेदारी भी आप ही को लेना होगा। और अब तीसरा जो इस पे सवाल है कि आप सब्जेक्ट बदलने पर रोके नहीं, परीक्षा दिलाए, रिजल्ट भी दे दिए, तो इस पर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हमने इसका रास्ता निकाला है, ऐसे स्टूडेंट को तीसरे साल की परीक्षा के साथ पहले साल के सब्जेक्ट से दूसरे साल की सप्लीमेंट्री परीक्षा दिला रहे हैं। तो भाई इसमें आपका फालतू का टाइम वेस्ट किया जा रहा है, सप्लीमेंट्री दिलाकर इसको लिपापोती, जो भी इनकी गलती हुई है इसको ये लोग जो है लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ से इसमें देखा जाए तो ये जो है पूरी तरह से यूनिवर्सिटी की गलती है, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर पर कॉल तो करेंगे ही, जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आए होते हैं तो उनको सारी जानकारी अच्छे से मालूम नहीं होती है, जब वो सेकंड ईयर फाइनल ईयर तक जाते जाते पूरी जानकारी हर चीज़ मालूम होती है। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट फ्रेशर्स रहते हैं, बारहवीं पढ़ने के बाद स्कूल से कॉलेजों में जाते हैं, तो उन लोगों को जानकारी होती नहीं है, तो वो लोग तो फिर यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे ही। तो कॉल करने पर आपको अगर सही जानकारी नहीं मिलती है तो ये यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, और यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है तो उनको फिर से यहाँ पर पेपर दिलाओ, ये सब जानकारी ये नहीं होना चाहिए, उसको सुधारने का काम भी यूनिवर्सिटी की है। या फिर आप जो हेल्पलाइन नंबर पर बिठा रहे हैं वो उसको पूरी तरह से सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तभी उसको जो है हेल्पलाइन नंबर पर कोई ऐसे व्यक्ति को बिठाइए जो सभी चीज़ों की जानकारी रखता हो, या फिर गलत जानकारी ना दिया जाए। तो आप भी आगे से ध्यान रखिए कि सिर्फ हेल्पलाइन के भरोसे मत रहिए, आप डायरेक्ट कॉलेज जाकर बात कर लीजिए, ठीक है, ये बेटर होगा, थोड़ा सा खर्चा होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप डायरेक्ट कॉलेज में ही बात करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। अब जो है यूनिवर्सिटी की इस गलती की वजह से आपका जो एक साल बर्बाद हो सकता है, अगर आपने सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं दी, यूनिवर्सिटी बोल रहा है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दो नहीं दी, तो साल भी बर्बाद हो सकता है। इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की है। अब ये बहुत ही संगीन मामला है, इससे आपका समय खराब हो रहा है, और देखिए इन्होंने एक ही ऑप्शन दे रखा है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने का, और अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे लगता है कि इस पर जो है स्टूडेंट लोग काफ़ी नाराज़ होंगे, और कुछ यहाँ पर यूनिवर्सिटी पर और भी सवाल उठ सकते हैं। तो ये इसके लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको इसकी जानकारी मिलेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। YouTube पर देख रहे हैं तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। अगर आप ऑटो प्ले पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए। Facebook पर देख रहे हैं तो भी चैनल पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नए खबरों के साथ एक नए वीडियो में।